दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन यानी कि मुनाफा कमा सकते हैं और आप पर्टिकुलर इस बिजनेस के अंदर आप अपने एरिया के अंदर अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस आइडिया है, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है एक प्रोडक्ट की जो आपको सिर्फ 6 रुपए में पड़ेगा। जी हाँ, आपको एक प्रोडक्ट सिर्फ 6 रुपए में पड़ेगा और आप उसे लोकल मार्केट में बेच सकते हैं तकरीबन 20 रुपए के आसपास में। ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं 20 रुपए के आसपास में, जिसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 6 रुपए में। और अमेजोन पर यह प्रोडक्ट बिक रहा है ऑनलाइन 50 रुपए के आसपास में, 50 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। मैं आपको अमेजोन पर ले जाऊंगा और वहां पर आपको दिखाऊंगा कि यह प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपए से भी ज्यादा में ऑलरेडी बिक रहा है, जिसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 6 रुपए। कौन सा प्रोडक्ट है और आप किस तरह से उसे सेल कर सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, किस तरह से आप उसमें अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं वो भी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, और कहां से इसका रॉ मटेरियल उसकी मशीनरी आप परचेस कर सकते हैं वो सब उस सब चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और इस बिजनेस को करने की मशीनरी की जो भी उसका तरीका है किस तरह से इस प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है वो भी आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप कोई भी बड़ी होटल या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट का ऑर्डर लेते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि उनके पेपर नेपकिन के ऊपर उनका एक पर्टिकुलर लोगो छपा हुआ हो। जैसे कि अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पेपर नेपकिन के ऊपर उन पर्टिकुलर होटल्स का लोगो छपा हुआ होता है, तो आप मशीन के जिस बैग को भी देख रहे हैं वो यही काम करता है कि आपका जो पेपर है उसके ऊपर लोगो की प्रिंटिंग करती है। आप कोई भी लोगो, कस्टमाइज लोगो आप उस मशीन के अंदर डाल दो, मशीन के इस भाग के अंदर आप डाल देंगे तो उस पेपर के ऊपर उस मशीन का मशीन से जो लोगो होगा वो छप जाएगा। यानी कि आप कस्टमाइज पेपर नेपकिन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कोई भी होटल या फिर कोई भी रेस्टोरेंट का लोगो लगा सकते हैं और हर एक नेपकिन के ऊपर उस लोगो का जो है वो प्रिंटिंग हो जाएगा पर्टिकुलर इस मशीन से मशीन के। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा पेपर का रोल है जिससे पेपर निकल के एक मशीन के अंदर जा रहा है और वहां पे कुछ प्रोसेस हो रही है, और कुछ प्रोसेसेस होने के बाद वो जो पेपर का रोल है वो पेपर जो है वो एक कटिंग मशीन के अंदर जा रहा है। वहां पर पेपर जो है वो एक पर्टिकुलर एक साइज के अंदर कट हो रहे हैं और वहां से आप देख रहे हैं कि कुछ पेपर के बंचेस तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, ये वही पेपर है जिसे हम रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये है पेपर नेपकिन का बिजनेस। अभी आप जो मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं वो पेपर नेपकिन की मैन्युफैक्चरिंग आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से पेपर नेपकिन के बंचिस जो है वो आप तैयार होते हुए देख रहे हैं। और इस मशीन में कौन सा पार्ट किस तरह का वर्क करता है वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से आप उसमें अपने लोगोज वगैरह भी इसी मशीन से क्रिएट कर सकते हैं और पेपर नेपकिन के बंचिस जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर इस मशीन की प्रोडक्शन लाइन के एंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो लोग मिलकर के पेपर नेपकिन के जो बंचिस है वो तैयार कर रहे हैं बड़ी तेजी और आसानी के साथ। इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर इस मशीन को चलाने के लिए, जिसमें तेजी और आसानी से काम हो सके। तो इतना ही आसान है पेपर नेपकिन का मैन्युफैक्चरिंग करना लोगों के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी कॉस्टिंग आएगी इस मशीन के और इसके प्रोडक्शन की, और किस तरह से आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, और किस तरह से अमेजोन पर कितने दामों पर ऑलरेडी। तो दोस्तों, ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग की बात। अभी आपको कॉस्ट कैलकुलेशन दिखाता हूं कि किस तरह से आपको पेपर नेपकिन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्टिंग किस तरह से पड़ती है, इस मशीन की कॉस्टिंग क्या है, इसका जो रॉ मटेरियल आता है यानी कि जो ब्लैंक पेपर है उसकी कॉस्टिंग क्या है, और उसका पावर कंजप्शन कितना है मशीन का, लेबर की कॉस्टिंग कितनी होगी, वो सब कॉस्ट कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। पूरा उसका डिटेल लेखा जोखा जो है वो तैयार है कि किस तरह से इसमें कॉस्टिंग आती है और बाद में हमारा प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कॉस्टिंग में से बात करके हम कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली कमा सकते हैं
उसका पूरा कैलकुलेशन अभी मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कैपेसिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर पेपर नेपकिन मशीन, यानी कि पेपर नेपकिन का पूरा कॉस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ नेपकिन दैट कैन बी मेड ऑन द मशीन बेस्ड ऑन 10 आवर्स वर्किंग ऑन डेली बेसिस एंड 25 डेज वर्किंग मंथ, यानी कि पूरे एक महीने के अंदर 25 दिनों के अंदर अंदर हर रोज 10 घंटे काम कर सके, यानी कि जो रविवार की जो रजा होती है वो बात कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा महीने 25 दिनों का लिखा हुआ है और हर रोज का 10 घंटे का काम। तो यहाँ पर इस तरह से पेपर नेपकिन का प्रोडक्शन जो है वो पर मिनट, पर आवर, पर डे और पर मंथ का लिखा हुआ है। ये एक नेपकिन का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका बंच का नहीं है। बंच जो है वो 50 नेपकिन का एक बंच होता है। तो यहाँ पर मंथ इतने नेपकिन तैयार होते हैं। फिर इसका कॉस्टिंग जो है वो ऑन एन एवरेज कितना आएगा, हर शहर में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर एक एवरेज कैलकुलेशन गिने तो लेबर का जो चार्ज होता है वो स्किल्ड लेबर 15,000 और अनस्किल्ड लेबर 5,000, यानी कि टोटल 25,000 रुपए जो है वो लेबर का खर्चा आ जाएगा। टोटल पावर का खर्चा आ जाएगा वो तकरीबन 5,000 रुपए जितना हर महीने आ जाएगा। इंक यानी कि जो हम लोगो प्रिंट करते हैं उसका जो अगर हम खर्चा गिनते हैं तो वो पर मंथ तकरीबन 10,000 रुपए का हो जाएगा। और पैकेजिंग मटेरियल यानी कि जो बाद में जो बंचेस का जो हम पैकेजिंग करेंगे, कार्टन बॉक्स वगैरह वगैरह, उसका जो टोटल खर्चा है वो ऑन एन एवरेज इतने प्रोडक्शन के हिसाब से तकरीबन 8,500 रुपए का उसका खर्चा होगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो उसका जो रॉ मटेरियल होगा, इसका जो पेपर का जो बंच होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, उसका कॉस्ट नहीं यानी कि उस पेपर का कॉस्ट नहीं, वो भी हम गिनेंगे, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो होगा वो तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास का होगा। और अदर एक्सपेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टी, टबेको, पान मसाला ना खाए तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी उसका कैलकुलेशन जो है वो लिखा हुआ है 500 रुपए, ठीक है, जिसमें हमारा बेसिक कॉस्टिंग ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। उसका एक दूसरा तरीका भी है लेकिन ये मुझे थोड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा है, इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करता आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल 60 रुपीज पर केजी, यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल था, जो पेपर का जो रोल था, उसका जो कॉस्टिंग है वो 60 रुपए पर किलो के हिसाब से आता है। फिर पर मंथ यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल 60 × 11,250, 6,75,000 रुपए का मटेरियल का कॉस्टिंग हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पर मंथ 54,000 जो हमने ऊपर गिना। फिर टोटल एक्सपेंस हो जाएगा इतना। फिर इसमें 1% जो है वो वेस्टेज होगा। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है 1 kg रॉ मटेरियल प्रोडक्शन 600 नेपकिन्स, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पेपर पैकेट इज 6 रुपीज, यानी कि 6 रुपए के अंदर अंदर एक पैकेट जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको शांति से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शांति से समझ सकते हैं, इसका भी आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, बाद में कॉस्ट कैलकुलेशन समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों जो पेपर नेपकिन का बंच हमें 6 रुपए में पड़ता है, वो बंच जो है उसके 6 पैकेट का जो पूरा पैकेट आता है, 50 नेपकिन का 6 का पैकेट, वो यहाँ पर 300-400 रुपए में बिक रहा है, यानी कि एक बंच जो है वो यहाँ पर तकरीबन 50 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था Amazon के ऊपर यहाँ पर उस तरह के पैकेट जो है वो 50 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 50 नेपकिन का पैक 6 का पूरा पैक आता है, यानी कि ऐसे पूरे 6 पैक आते हैं 300 रुपए में। तो उस हिसाब से एक पैकेट जो है जो हमें 6 रुपए में पड़ रहा था वो यहाँ पर बिक रहा है तकरीबन 50 रुपए से भी ज्यादा में। देखिए यहाँ पर 50 रुपए भी ज्यादा में बिक रहा है, ये बेस्ट सेलर है, ठीक है, 320 रुपए में, ठीक है, यहाँ पर बिक रहा है पैकेट ऑफ 3, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपना पेपर नेपकिन जो बेच रही है, उस तो बेस्ट सेलर बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पर अपने अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर बेच सकते हैं अपने पेपर नेपकिन अमेजोन के ऊपर कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर, आप यहाँ पर बेच सकते हैं। उस मशीन का जो विक्रेता है उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर आप चाहे तो उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस मशीन को परचेस करने में।
और इसका रॉ मटेरियल भी परचेस करने में वो आपकी हेल्प करेंगे।